यो जो गड्डी का शीशा टूटा है इसका जिम्मेवार कौन? भाई चलो गलती मारी है, लेकिन आपने जो एक्शन लेना है ले लो। जिम्मेवारी तो मैनेजर दो तो मैं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल जिम्मेवारी किसकी है? भाई मेरी तो है नहीं। यो बैरियर हमारे आगे कोई गड्डी नहीं थी। तो आप तो मालूम है कि भैया जी यहाँ टोल है तो रुकना चाहिए हमको। नहीं, टोल का भी बैरियर खड़ा था ना, तो हम क्यों रुके? तो भाई सारे भैया ने राम राम। इस टाइम मैं खड़ा हूँ लुधियाना वाले टोल पे। अब यो देखो भाई, देखो यो के मामला है। अभी यो ऊपरे था, ये भी नीचे कर दिया इन्होंने। हम वहां से आए और आंधे मर्द देसी मारा इन्होंने, गिर गए। यो था नहीं, सीधा खड़ा था। अरे अब ये क्या कहे हैं, बात करा भाई इससे। भाई राम राम। राम राम भाई। अच्छा यो जो गाड़ी का शीशा टूटा है इसका जिम्मेवार कौन? यहाँ पे कौन खड़ा होगा, किसकी जिम्मेवारी है? भाई आप मैनेजर से पूछो या जिम्मेदार। नहीं, जिम्मेवारी तो मैनेजर दो तो मैं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल जिम्मेवारी किसकी है? भाई मेरी तो है नहीं। नीचे गिरण की ऊपर गिरण की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी हवा, मैंने कावड़िया खातर खोल रखा है। नहीं नहीं, जब हम जितनी भी गाड़ियां, जब हम निकले एकदम आपने नीचे गिरे हो। आप वहां थे ब्रेकर पे, मैंने गाड़ी आती देखी, मैंने डाउन कर दिया। आपकी स्पीड थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। कितनी थी मेरी स्पीड? वो आप कैमरे में दिख जाओगे। आप बताओ ना, थोड़ी सी कम नहीं हुई? हमारी गाड़ी याड़े थी, आपने मर देसी मारा याड़े। हाँ मेरे भाई, इस कैमरे की भी वीडियो है क्या? हमने दिखेगा नहीं वहां से हमारी गाड़ी आओगी भाई? फिर एकदम थोड़ी ना पड़े, प्रोसेसिंग भी तो है चीज की। फिर ड्यूटी आपकी है वहाँ पे, जिसने खड़ा करो भाई। मैनेजर से बोलो। देखो अब इन्होंने क्या कर रखा है, अभी इन्होंने बैरियर लगा दिया। क्यों? और तो कोई आओगा इब वहां से, कोई आओगा दिखान खातर, सिर्फ दिखान खातर है। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है भाई? टोल आड़ा की। इब टोल आड़े आड़े जो खड़े थे वे दाएं बाएं हो गए। एक भाई नून्ने चले गए, सारे चले गए इब। नहीं तो यह जिम्मेवारी इनकी है। अब भाई किन के पास जावा? अब ऊपर जाओ बिल्डिंग में, मैनेजर सर थे, आपकी वीडियो भी मिलेगी, सब कुछ। अच्छा। लगा आपने जो पूछना है उनसे पूछो। ठीक है भाई, अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं भाई इस मामले से। इब देखो कावड़िया खातर इन्होंने अलग तरह रास्ता खोल दिया, कावड़िया खातर रास्ता इन्होंने अलग से खोला। और ये कह के कि कावड़िया खातर है, कावड़िया खातर यू रास्ता नहीं था क्या इनका? तो भाई यो है, आप देखने लग रहे हो इस टाइम, इन खातर अलग से रास्ता बनाया गया है। देखो अब कावड़िया खातर ये रास्ता इन्होंने खोल दिया, अभी इन्होंने बैरियर भी हटाया है और सब कुछ। हम इस रोड से आए थे याडद है, और यहां से आए, अरे यो बैरियर खुला था जब ये नीचे इस टाइम बंद दिखा है। कावड़िया खातर का था यो रास्ता है, अरे भी इन्होंने खोला कावड़िया खातर यो। अभी आपने इनके और दिखावांगे, गाड़ी का जो शीशा तोड़ा है वो इन्होंने के कर दिया काम। अब इस टोल के जो लीगल है सिस्टम वो भी चेक करवाने पड़ेंगे भाई। अब इनका देखो ये बैरियर नीचे भी पड़ा है, जब नहीं था। इब तो ये सारी चीज फॉलो करके दिखाऊंगे। हाँ यो है सिस्टम, देखो अब यू खुला अब यू बिड़ा, सारे काम अब हुए हैं। अब ये अब इस टोल के भाई जो भी सारी जानकारी है वो ले आएंगे भाई। अब अरे ना क्या करा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। करेक्ट बंदी से, अरे देखो भाई शीशा दिया तोड़, यो शीशा वो जो था ऊपर से मट देसी आड़ा मारा, अरे भाई शीशा खिंड गया। अब इसकी जिम्मेवारी कौन उठेगा? ये उठेंगे भाई। बात सीधी सी यह है, अगर कावड़िया का कोई मामला होता, कावड़िया खातर इन्होंने लगता रो खोल दिया। अब पहले नहीं था, पहले तो बंद था, जब उसमें को आए कावड़िए तो उन खतरा लगता खोल दिया।
और जो गाड़ी आई है उन खतरे भी परमानेंट बंद है, मारे टाइम में यू बंद नहीं था। ई भी एन को है कि ये तो जी नुएरो उगार नुए है। अब चेकिंग की बात है और चेकिंग करांगे, जिसके जिम्मेवारी है भाई वो करेगा। सरकार इस पर जो स्टेप उठावे उठाना है भाई उन्होंने, और यहाँ के जो लीगल प्रोसेस हैं वो सरकार ने उठाने पड़ेंगे। इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट पे सारी जानकारी इकट्ठा करी जाऊंगी भाई। फिलहाल आगे चला हाँ, और आगे चल के सब कुछ चेक करांगे, वहाँ पे बात करांगे भाई। फिलहाल वीडियो को पॉज कर लिया जाए, पॉज। ये झूठ बोलने लग रहे। अब मैं बता देता हूँ सर मामला क्या था। ठीक है। अब देखो भैया गाड़ी आने लग रही है, अरे यू बैरियर डाउन है इनका, अब ये इन्हें निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ई वी एन कौन थे भाई, कावड़ियाँ खातर इन्होंने अलग से रास्ता छोड़ रखा है, अरोड़े को जावे हैं बाइक वाले इधर के भी आ जाए मेरे भाई। हाँ फिर बाइक वाले तो जाएंगे, फिर उनको भी तो खोलना पड़ा। कोई बात नहीं, ये ड्यूटी आपकी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। कावड़ वाले है ना जो, कोई बात नहीं, अभी कावड़ वाले अपने वही को कटे अपने। भाई साहब सुनो मेरी बात, सुनो तो जो है वो देखा जाएगा। ठीक सुनो, यहाँ पे यो बैरियर हमारे आगे कोई गड्डी नहीं थी, तो आप तो मालूम है कि भैया जी यहाँ टोल है तो रुकना चाहिए हमको। नहीं, टोल का ये बैरियर खड़ा था ना, तो हम क्यों रुके? तो मतलब आपने वहीं से पैसे पे कर दिए थे क्या? नहीं, कहाँ से? वहाँ से। वहाँ से कौन सा पैसे पे होंगे? तो आप फिर गाड़ी रोकी क्यों नहीं, आपने फिर चले क्यों नहीं? खड़ा था। अच्छा मतलब ये बूम खड़ा हुआ है तो आप चले जाओगे? सुनो, बहुत सारे टोल हम वहीं से आए हैं। आपकी यहाँ पे ड्यूटी बनती है खड़े होने की? इनकी ड्यूटी नहीं, ड्यूटी टीसी अंदर बैठा है बूथ में। अच्छा, आपकी भी बनती है टोल दे के जाना हमको? जब ये बैरियर खड़ा तो हमारी ड्यूटी नहीं है। बात यह है कि गाड़ी आ रही थी उधर से, बूम पहले से खड़ा था गाड़ी, टू व्हीकल करके। ठीक है, जब वहाँ गाड़ी थी तो इसने बूम डाउन करा। ठीक है, गाड़ी स्पीड, तो फिर आप तो रोकना चाहिए टोल, ये गाड़ी रोकनी चाहिए थी ना, धीमे करना था। वहाँ पे कहीं टोल नहीं था, यहाँ पे जब गाड़ी पहुंची तब इसने एकदम डाउन मारा। नहीं तो वो तो भाई अभी चेकिंग की बारी है, या गलती जिनकी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब चलेंगे ऑफिस में, अब चलेंगे ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर इनको कैमरा भी दिखावांगे और सब कुछ बात करेंगे। चलो भाई, अब से फिर यो ऑफिस रहे भाई टोल आने का। इस टोल पे मैंने ये नु बोले हमारी गलती को नहीं, पूरा जिद रहे थे ये भाई, आपका था, आपने एक गाड़ी क्रॉस हुई है उसके बाद फिर यू नीचे होना था, आप आगे आपने ब्रेक नहीं मारे, इसी बात कर रहे। इसी से तो रखा मैंने ना फोड़ जुमा खिंडा रखा भाई टोल वाले ने। अभी यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे आकर फुटेज मांगी, और वो फुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, क्या इन्होंने काम करा। ए यू टोल का जो इनका क्या कर रहे सुनर है लठे ने, हाँ यू बूम यू खड़ा था भाई, और वह गाड़ी मेरी पीछे से आई। खड़े होने का मतलब है लेन खुली है? हाँ, यू टोल यू लठा खड़ा होने का मतलब है लेन खुली है, हम आए नो बोले हमने स्पीड ब्रेकर दो रहा कही थी यह बात, ये फिर कि मैं छेड़खानी सी करके थे। देखो दोबारा इन आनते क्या हमने वीडियो बनाने खातर दोबारा कैमरा ऑन कराया भाई इन्होंने, दोबारा फिर सौदा पीछे लिया। अरे ये देखो भाई पीछे यह गाड़ी आई, यह मेरी ये गाड़ी थी भाई, और मैं यहाँ से लेके और नू देख लो इनको दे, तू गाड़ी बजा रहा था और नू कर रहा था, ए इब तक इनका बूम नीचे नहीं होता, जब दोहरा पहुंचा जब भड़ाक दे बूम लग गया भाई इनका। अरे इब नू को है भाई चलो गलती मारी है, लेकिन आपने जो एक्शन लेना है ले लो, मैनेजर आऊगा सवेरे 8 बजे। इब यहाँ पे 2-3 बालक बैठे हैं, मिस्टेक ये मान नहीं रहे थे भाई, इब नाने कहा चलो खड़ा रह गया, आपने रोकना था भाई, हम क्यों रोका, बूम जब तक खड़ा रहोगा हमारा रोकने। अच्छा मान लो इनका कोई टेक्निकल मिस्टेक है तो इनका बंदा आगे खड़ा होगा भाई, ना कोई आगे खड़ा था, आराम से बैठा था भाई कुर्सी पे, अरे यू शीशा कर दिया ना कांड। अब इस पर जो लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा भाई, और यह जिम्मेवारी किसकी है आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। और इसके चक्कर में हम उसी सा टूटन के चक्कर में अगर हड़बड़ा के या गाड़ी कहीं और बिड़ जाती, किसी और के गले एक्सीडेंट हो जाता और के कांड हो, उसका जिम्मेवार कौन था,
इस टोल की पूरी जानकारी भाई ले जाएगी, जो लीगल इलीगल जो मामले हैं सबकी जांच करवाई जाए, सरकार से हमारी मांग है या, और हम तो अपने जो भी टेक्निकल विभाग है उससे जैसे भी कांटेक्ट कराएंगे करांगे। फिलहाल जिम्मेवारी इनकी थी, अरे ये बहुत बड़ा हादसा होने से टड़ा, सिसा तो गया ख़त्म भैया। वीडियो फिलहाल इतनी है, ये लुधियाना वाला टोल है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी भैया, इस पर सारे हाथ झाड़ गए भाई फिलहाल तो, ये अब चलना अपने घर और कल ने देखा भाई के कुछ होगा। धन्यवाद, जय हिंद।